हेलो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं साबूदाना और आलू की वर्त वाली टिक्की। तो इसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं। इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें हम डालेंगे, ये भीगा हुआ साबूदाना है, इसको 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये मिक्स कर देंगे इसमें, साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें नींबू का रस। अब इसमें डाल देंगे ये सेंधा नमक, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और साथ ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। ये देखिए ऐसे इसको मैश कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी ऐसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो टिक्कियाँ बना के इनकी रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। अब आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्राई करते हैं इनको। देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैंने मूंगफली का तेल लिया और ये इसमें फ्राई कर लेते हैं। पहले एक साइड से होने देंगे, फिर इनको पलटेंगे। देखिए गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये साबूदाने और आलू की टिक्की, और हरी चटनी के साथ इनको सर्व करेंगे। हरी चटनी में मैंने सिर्फ धनिया और पुदीना, नींबू और सेंधा नमक और हरी मिर्च, बस व्रत के लिए जो चटनी बनती है उसी के साथ ही इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्राई हो गई है, अभी इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी की टिकियाँ भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे गोल्डन हो गई हैं। बाकी की टिकियाँ भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तेल जरा काफ़ी गर्म हो गया, तेज गर्म है, तो हम इसमें ज़्यादा टिक्कियाँ डाल देते हैं। ये देखिए ये भी फ्राई हो गई, निकाल लेते हैं इनको भी। और चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, गर्मा गर्म साबूदाने और आलू की टिक्की हरी चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।